नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सब लोग के लिए लेकर आई हूं भिंडी की सब्जी की रेसिपी। भिंडी की सब्जी की रेसिपी हम कई तरीकों से बनाते हैं, लेकिन यदि आप लोगों ने आज मेरा ये वाला तरीका देख लिया तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये तरीका बनाने में आसान भी है। इसमें हम बहुत ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि आखिर हमें इस भिंडी को सब्जी को कैसे बनाना है। भिंडी की सब्जी के लिए सबसे पहले तो आपको लेनी है भिंडी, और भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और थोड़ी देर इसे पंखे की हवा में सुखा लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह से सुखा लें तब आप इसे कट कर लीजिएगा। तो जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ सेम आपको उसी तरह से इसे कट करना है। बीच से पहले आप भिंडी में इस तरह से चीरा लगाएंगे और फिर उसे एक बार फिर से इस तरह से कट करेंगे, और इस तरह से आपको लंबी लंबी भिंडी को कट कर लेना है। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको भिंडी को कट करना है। तो इस तरह से हम सारी भिंडियों को कट कर लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं इतनी इस तरह से आपको बारीक बारीक इसे कट कर लेना है प्याज को। देन उसके बाद आपको एक लेना है मिक्सी का जार और उसमें डालने हैं 2 टमाटर। 2 टमाटर डालने के बाद आप इसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे और साथ में डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां, और इसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर का पेस्ट भी तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी लाजवाब सी भिंडी को। तो यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है पैन, और पैन में डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। ध्यान रखिएगा ऑयल को आप अच्छी तरह से गर्म हो जाने दीजिएगा। भिंडी ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा इसे चलाना है, और उसके बाद आपको इस भिंडी को ढक के कुक करना है कम से कम 2 मिनट के लिए। तो जब हम 2 मिनट के लिए इस तरह से ढक देते हैं तो भिंडी हमारी जल्दी भी कुक हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। जब 2 मिनट हो जाएंगे तब आप इसका ढक्कन हटाएंगे और उसके बाद इसे खुला ही पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। खुला पकाने से इसमें जो भी जो लशदार होता है, थोड़ा सा जो गीलापन होता है वो चला जाता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा जो नमक है वो ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा और चलाएंगे। जब 2 से 3 मिनट करीब हो जाएंगे तो जो हमारी भिंडी है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। फिर इसे हम एक अलग से प्लेट में निकाल देते हैं। भिंडी को निकालने के बाद उसी पैन में अब हमें थोड़ा सा ऑयल और डालना है, और अब हम इसमें लगाएंगे थोड़े से तड़के, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है जीरा और थोड़ी सी डाली है राई, और अब हम 1/2 चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें खड़ा वाला धना। ये थोड़ा सा तड़क जाएंगे, देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन को। अब हमें अनियन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसे इसका पानी जब तक अच्छी तरह से सूख न जाए तब तक आप इसे कुक करिएगा। और इतने सब कुक करने में, अनियन को कुक करने में कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। जब अनियन अच्छी तरह से पानी अपना छोड़ दे, देन उसके बाद कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और देन उसके बाद इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब आपको इसमें डालना है जो हमने टमाटर पीस के रखे हैं ना, वो टमाटर डालने के बाद अब इसे हमें अच्छी तरह से भूंज लेना है, जिससे जो टमाटर में जो भी हमने इसमें जो भी टमाटर से की वजह से ये जितना भी गीला हुआ है वो अच्छी तरह से सूख जाए। इसका बिल्कुल ये जो आप मसाला देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद अब इसे हम ढक देंगे। ढकने से क्या होता है, जल्दी से प्याज अच्छी तरह से पक भी जाती है, साथ में जो मसाला है वो जलता भी नहीं है, और हमें बहुत कम तेल में बहुत अच्छा मसाला बनके तैयार हो जाता है। क्योंकि यदि हमें अच्छा मसाला भूनना रहता है ना तो उसमें हमें काफ़ी ऑयल का इस्तेमाल करना रहता है, लेकिन यदि हम इस तरह से ढक के कुक करते हैं तो कम तेल में ही हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है। और जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए देन उसके बाद आपको इसमें भिंडी को ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है।
और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद बस आपको गैस को ऑफ कर देना है और आपकी ये लाजवाब सी भिंडी की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। एक बार इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। बनाने में ये बिल्कुल आसान है लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। आई होप आप सब लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।